अब मैं गुजारिश करूंगा रेंज ऑफिसर अख्तर हमीद साहब से और हमीद चौधरी साहब से कि वो सोहेल मलिक साहब को हाथ डाल के स्वागत करेंगे, लेकिन पहले गुप्ता साहब को हाथ डाल। मैं ज्यादा वक्त न लेता हुआ अपने साथियों को वक्त दूंगा और मैं गुजारिश करूंगा कि मेन पार्टी के ऊपर फोकस रख के जो है वो बोलेंगे के अंदर कैसे डेवलप किया जाए। और लोग जो आज अभी भी लोग यह कहना चाहता हूँ कि आने वाले 10-12 साल तक भारतीय जनता पार्टी के सेंटर में सरकार रहेगी और जब के 2 मिनट के लिए वो अपनी बात रखेगी। वो फ्री ऑफ कॉस्ट राशन मिला है, ये तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने इतनी बड़ी तादाद में और इतने लंबे समय के लिए राशन दिया। उसके बाद मैं जनाब उसके अलावा हमारी अच्छी अच्छी लोगे हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। उसके अलावा हमारे ये लोग जो हैं पिछले हुए लोग हैं इनमें हर किस्म की आप रेवन्यू डिपार्टमेंट में को ये भी बोलो कि हमारे लोगों का काम होना चाहिए और तहसीलदार सब बहुत अच्छे हैं लेकिन हाथ में हमारे नेतागण आज का मकसद हमारा 1 महीने से 9 साल बेमिसाल प्रोग्राम चल रहे हैं और उस सिलसिले में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से मीडिया को मुखातिब करते हैं, यूट्यूबर्स बड़े बड़े जलसे मोर्चों की मीटिंग, जिन लोगों को बेनिफिट हुआ है बेनिफिशरीज की मीटिंग, इंटेलेक्चुअल्स समाज की करीब रिलीजियस पर्सनैलिटी और अलग अलग तरीका कार से हम लोगों में जाते हैं। मैं पिछले 15 दिन कश्मीर में था और आज चौथा दिन आपके रजौरी और पूंछ में मेरा है। मैं पहले बात करूंगा कि ये 9 साल बेमिसाल क्यों है। ये खाली कोई स्लोगन नहीं है ना हम कोई झूठ बोलते हैं। पहले जो सरकारें रही उन्होंने भी योजनाएं स्कीम बनाई थी। हमारी स्कीम और उनकी स्कीम में फर्क है। इस बात के करीब हमने पहुंचना है और उसको समझना है और आखिरी गरीब आदमी तक पहुंचाना है और इन प्रोग्राम्स के माध्यम से फर्स्ट हैंड फीडबैक लेनी है। ये हमारा इस सारे प्रोग्राम का मकसद है। उनके जमाने में उनके वजीर आजम बोलते थे, कांग्रेस के वजीर आजम ने बोला कि हम 100 रुपये अगर बेचते हैं तो हमारे 10 रुपये पहुंचते हैं। आप यहां डाक बंगलों में आप सब बाइज्जत लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, आप गवाह हैं कि अगर पंचायत में जितना भी पैसा आता है 23 लाख कुछ पैसा आता है तो 23 का 23 पंचायत के अकाउंट में आता है। अगर वो 23 लाख उनकी सरकार होती
23 लाख भेजते तो आपकी पंचायत में 2-5 लाख रुपया आता, बाकी सब डाइवर्ट हो जाता, खुद खुद हो जाता और इनके टूर्स और इनकी ऐशरो अशरत का शिकार होता। ये फर्क है, मैंने एक योजना आपके सामने गिनी है। हम ऐसे हवा में नौसर बेमिसाल नहीं बोलते हैं। जो जमातें कांग्रेस और उससे निकली हुई जमातें हमेशा घोटालों की शिकार रही हैं। आपने 2G घोटाला सुना होगा, आपने कोयला घोटाला सुना होगा, आपने कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला सुना होगा, और वो घोटालों की सरकार थी। आज पिछले 9 साल से वो घोटाले कहां चले गए? घोटाले हमसे नफरत क्यों करते हैं? इसलिए नफरत करते हैं कि आप और हम सब ने